दोस्तों आज मैं खाने वाला हूँ किच्ची। किच्ची के फायदे इतने कि अगर आप किच्ची का रोज किच्ची किच्ची ये हमारे गांव में किच्ची बोलते हैं, आपके इधर जो भी बोलते हैं मालूम नहीं, हमारे गांव में किच्ची बोलते हैं इसको। अगर आप इसका जूस बनाते रोज़ सुबह पीते हैं खाली, अभी ये मानिए अगर ये खाली पेट पीते हैं आप, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, वो नहीं छा। रोज़ पीजिए सुबह सुबह से, अंधेरा छा जाता है ना, तो कभी कभार अपना अंदर से अंगूठा है अपन देख नहीं जाते, बाहर से सही है अंदर से पक जाता है, ऐसे में ये सब काम आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपन कितना ही खाते हैं लेकिन अपना शरीर दिखता ही नहीं, कितना ही खा लें शरीर दिखता ही नहीं, वैसे दुबले पतले से अपन सोचते साला इतना खाते हैं फिर भी शरीर नहीं भरता। खाली पेट इसका जूस पीजिए, प्रतिदिन पीजिए, बस इतना कीजिए। अगर ये खाते हैं कोई भी किसी भी फल का रस पीते हैं जूस बना के या खाते हैं, उसके साथ नशा मत कीजिए, दारू मत पीजिए, बीड़ी सिगरेट नहीं, चिकन मच्छी नहीं, मटन चिकन नहीं, तभी ये फ़ायदा करेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा। अब आप ये सुबह से पिए, बीड़ी पी लीजिए, दारू पी लीजिए, तो फिर क्या फ़ायदा करेगा, ये नहीं करने वाला फायदा। ये फ़ायदा करता है जब आप परहेज करें, तभी कच्चा खा लीजिए, कच्चा एक पाव बहुत है। अगर आप एक पाव खा लेते हैं, एक पाव प्रतिदिन, तो आपकी चक्कर वो सब ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ परहेज, परहेज बगैर कुछ नहीं होता। देखिए अगर आप परहेज करते तो कोई भी फल है, ये फल है, मौसम्बी है, गाजर है, कोई भी, तभी काम करेगा ना। अब पता चला आप जूस पी लिए तो काम नहीं करने वाला, परहेज बहुत जरूरी है। अब धूप में जैसे आप चल रहे हैं, अचानक से चक्कर आ जाते हैं, अगर आप ये सुबह से जूस पी के जाइए बराबर, ये है ये देखिए इसके आजू बाजू काटे, ये फल मौसमी फल, अगर आप ये कच्चा खा लिए फिर देखिए एक महीना, अगर आपसे ये कच्चा ऐसा नहीं थकता है तो थोड़ा ककड़ी ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए और इसके साथ खा लीजिए। आप देखेंगे एक महीने में आपका शरीर का अंतर दिखेगा, आपको भूख बहुत लगेगा, जितना खाएंगे ना उतना ही भूख लगेगा।
और इस बहुत फायदा करता है यार, इतना फायदा है ना। आप खाली एक महीना खा के देखिए, जूस बनाइए आधा गिलास थोड़ा इतना पी जाए, नहीं तो एक दो चार पाँच छः और ककड़ी के साथ खा लीजिए। अरे फली है ना, और आपकी पाचन क्रिया जो गैस बन जाती वो भी नहीं बनेगी। अरे भाई ऐसा कोई भी फल नहीं है जो आपको फायदा ना करे, हर फल में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, बस उसको ढूंढो। कोई भी फल कभी नुकसान कर ही नहीं सकता, बस उसके नियम से खाइए और उसके साथ थोड़ा परहेज, फिर अरे जब ही तो फायदा करेगा। आए फिर भाई देखो, शरीर स्वस्थ तो दुनिया स्वस्थ। आए अब शरीर स्वस्थ नहीं है, आलस है, उठे और कोई बैठे नहीं, उठ ही नहीं रहे, आलस है, फिर आप उठिए, बढ़िया एक गिलास जूस बनाइए पी लीजिए। इसका है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, बिंदास। देखिए साहब, मैं वही चीज बताता हूँ जो फल है। ये फल है, ये कभी आपको नुकसान नहीं कर सकता, खाने की चीज है। इसकी सब्जी आप बनाते ही, लेकिन जब सब्जी में ना इसका सब टेस्ट हट जाता है, मसाले का टेस्ट रहेगा इसका नहीं रहता, इसका कच्चा खाइए या जूस बनाइए, तब देखिए फिर एक नंबर। अरे फायदे ही है साहब, फिर अब इसका सब्जी बनाते हैं ना, एक दो कच्चा खा लीजिए, इसका देखिए तो कच्चे का कितना फायदा है। अरे कच्चा नहीं खाता है तो थोड़ा सा ककड़ी ले लीजिए उसके साथ खाइए, देखिए आदमी सलाद बना के खाते हैं। क्या है जितना खाएंगे उतने रोगों से छुटकारा मिलेगा। फल हमेशा खाते रहना चाहिए, कुछ भी सुबह से। अरे तेल हेल का चीज खाने से कोई स्वस्थ शरीर बनता है क्या? अरे फल खाइए, ऊपर वाले ने फल बनाए इतना सारा, पेड़ पौधे में लगे, खाइए जितना खाएंगे साहब उतना ही फायदा।
चलिए, मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा सर। नमस्कार।